के लिए कोई कार्गो पैंट परचेज करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ अंडर 500 रुपीज के अंदर आने वाला कार्गो पैंट, जिसकी लुकिंग, क्वालिटी, प्राइसिंग क्या होने वाली है तो कंप्लीट रिव्यू करके बताने वाला हूँ। और क्या आपको फ्लिपकार्ट से कोई भी कार्गो पैंट परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसकी लुकिंग, क्वालिटी और मटेरियल और प्राइसिंग कैसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क बैंगनी कलर के अंदर आने वाला ये कार्गो है, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसको अनफोल्ड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के देखने को मिलता है, इलास्टिक देखने को मिलती है, उसके साथ दोस्तों आपको लेस देखने को मिलती है जिसे हमारे यहाँ नाड़ा भी कहते हैं, तो ये नाड़ा देखने को मिलता है। अब बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर हुक नहीं मिलता है, बटन मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको जिप मिलती है, नॉर्मल सी जिप मिलती है जो कि दोस्तों आपको नॉर्मल से पैंट्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइड पॉकेट देखने को मिलती है जो कि जनरली कार्गो के अंदर दोनों साइड में देखने को मिलती है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रिप देखने को मिलते हैं जो कि दोस्तों एक अलग से इसको लुक देते हैं, एक साइड से अलग से लुक यहां पर अच्छा देखने को मिलता है इस कार्गो के अंदर, डेफिनेटली काफी अच्छा है। तो दोस्तों कार्गो है तो यहां पर स्ट्रेट लेंथ के साथ आने वाला कार्गो है जिसकी लुकिंग यहां पर आप देख ही रहे हैं कि वेयर करने के बाद लुकिंग कैसी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों बैक साइड में बात करेंगे तो बैक साइड में आपको सिंगल पॉकेट ही देखने को मिलता है, कोई ड्यूल पॉकेट नहीं देखने को मिलता है, एक बम्प के ऊपर ही आपको पॉकेट देखने को मिलता है। इसकी लेंथ काफी अच्छी है, उसके साथ साथ दोस्तों इसकी लुकिंग मेरे को काफी अच्छी लगी है। उसके साथ दोस्तों इसकी जो कलर है वो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग कलर है, 3 डिफरेंट कलर के अंदर मिल जाएगा आपको, ऑलिव ग्रीन, ब्लैक और ये जो डार्क बैगनी कलर है इस कलर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में कि जो मटेरियल है वो कौन सा यूज किया गया है इसके अंदर। तो दोस्तों डेनियम यूज किया गया है और ये 100% कॉटन डेनियम यूज किया गया है जो कि दोस्तों काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है, वेयर करने के बाद काफी ज्यादा रिलैक्सिंग और काफी ज्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलता है ये कार्गो। तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग लुकिंग के साथ, आउटस्टैंडिंग कंफर्टेबिलिटी के साथ और आउटस्टैंडिंग प्राइसिंग के साथ आने वाला ये कार्गो है। मेरे को पर्सनली ये कार्गो काफी अच्छा लगा है। अगर दोस्तों ब्रांड की बात किया जाए तो यहाँ पर मॉन्ट्रेंड्स करके यहाँ पर ब्रांड है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो 1499 यहाँ पर बताई गई है, बट 1499 के अंदर इसको मैंने परचेज नहीं किया है, ओनली ऑन इसको परचेज किया मैंने अंडर 500 रुपीज के अंदर। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अंडर 500 रुपीज के अंदर आपको परचेज करना है, तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी, लुकिंग और प्राइसिंग आउटस्टैंडिंग यहां पर मैंने परचेज करी है। और इसके दो मैंने परचेज किए, एक आपको ओलिव ग्रीन दिख रहा है ये भी मैंने परचेज किया है और ये भी मैंने परचेज किया है। ओलिव ग्रीन आई थिंक मेरे ब्रदर ने वेयर कर दिया है इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, बट इसकी जो अंडर 500 रुपीज के अंदर इसकी जो प्राइसिंग है और उस प्राइसिंग के लिहाज की इसकी क्वालिटी, लुकिंग, मटेरियल आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है, मतलब दिल गदगद सा हो गया है इसकी क्वालिटी देख के। और दोस्तों ये जो ब्रांड है ये फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड है, डेफिनेटली मेरे को काफी ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा है। और दोस्तों काफी अच्छा यहाँ पर एक डार्क ब्राउन कलर के साथ आने वाला ये मेरे को देखने को मिला है ये कार्गो। तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज इसके बारे में और क्लॉथ्स के बारे में और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।